कुल्लू जिला में देवधुन को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देवधुन को लेकर आए दिन देव संस्कृति से जुड़े लोग बयानबाजी कर रहे हैं। सूत्रधार कला संगम कुल्लू के अध्यक्ष दिनेश सेन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि इस बार दशहरा उत्सव में कारदार संघ के साथ मिलकर देवभूमि के 2200 बजंत्रियों ने सामूहिक रूप से भव्य देवधुन का आयोजन किया था, जिसने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि देवधुन कुल्लवी संस्कृति से सभी को रूबरू करवाती है। दिनेश सेन ने इस बात की हैरानी जताई कि देवधुन को लेकर राजनीति कर संस्कृति के प्रचार प्रसार में विघ्न डाला जा रहा है। कुल्लू का दशहरा विश्वविख्यात है, सब जानते हैं, और दशहरे में जितने भी देवी देवता आते हैं उनके शिविरों में प्रतिदिन पूरे दशहरे में देवधुन बजाई जाती है। इस बार एक बड़ा अच्छा प्रयास हुआ कि शिमला में दशहरे को लेकर जो एक मीटिंग हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसमें ये निर्णय लिया गया क्यों ना इस देव संस्कृति का और अधिक प्रचार प्रसार संवर्धन हो सामूहिक रूप से, और उसी ढालपुर के मैदान में जिसे 18 करोड़ की सौ कहा जाता है, जहाँ सारे देवी देवता इकट्ठे होते हैं दशहरे में, वहाँ इसका आयोजन मोहल्ले वाले दिन किया जाए। और मोहल्ले वाले दिन इसका आयोजन हुआ। इस आयोजन से पूर्व मेरी जानकारी के अनुसार जिला कारदार संघ की बैठक में भी इसका पुरजोर समर्थन किया गया, बड़े जोर शोर से इसे इसका आयोजन करने के बारे में चर्चा हुई, और उसके बाद और ये हुआ भी है। निस्संदेह बहुत अच्छा हुआ, मीडिया के माध्यम से अन्य जहाँ जहाँ इसकी चर्चा परिचर्चा हुई लोगों ने इसे बहुत सराहा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि उस दिन जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ उस दिन सारे देवी देवता देवती देवताओं से जुड़े हुए सभी लोग हर प्रकार के जो इसमें शिरकत करते हैं, किसी ने उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। लेकिन बीच में क्या षड्यंत्र हुआ कि लगभग एक महीना के बाद ये बात उठाई जाती है कि ढालपुर में जो देवधुन बजी दशहरे में गलत बजी, ये क्या बात है। मैं कहना चाहता हूँ इस बार कुल्लू दशहरे की झांकी दिल्ली गणतंत्र दिवस पर दिखाई गई। एक जानकारी के अनुसार 1969 में भी इसी प्रकार की झांकी दिखाई गई। उस वक्त तो कोई हमारे यहाँ असली देवता उनका देवरथ भी वहाँ ले जाया गया, जो मुझे मैं अखबारों के माध्यम से पढ़ा, तो अच्छा काम हुआ, देव संस्कृति का और अधिक संवर्धन हुआ, उससे हमारे कुल्लू का टूरिज्म बढ़ेगा, जो देवी देवताओं के आशीर्वाद से या लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों की रोजी रोटी और अच्छे तरीके से चलेगी। तो ये जो देव धुन बजी है इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में व्यापक चर्चा हो, इसके बारे में डिस्कशन हो, और जबकि ये उस निर्णय लिया गया दशहरे की कमेटी में, इस बात को रिपीट कर रहा हूँ शिमला में, तो कहीं भी थोड़ा सा गलत हुआ तत्काल उसका दृष्टांत उसी वक्त पटाखा हो जाता है, उसी वक्त जो है परिणाम आ जाता है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।